दोस्त रुका हुआ है यहाँ पे। हे अभी हम लोग जा रहा है फिलहाल। अभी हम लोग रास्ते पे है, पहुंच चुका है। ये काफ़ी जंगल है रास्ता। अभी हम लोग नदी में उतर रहा है, काफ़ी जंगल हो गया है, अभी बहुत जंगल है। लगता है आदमी लोग नहीं आ रहा है इस तरफ आजकल। आप पानी का नज़ारा देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गया है। काफ़ी पानी तेज है बारिश की वजह से, इस पर संभाल के चलना चाहिए, नहीं तो स्लिप होके पैर फिसल के गिर सकता है, बहुत स्लिपरी है। ए ब्रो लग रहा है आके आके बहुत मज़ा लग रहा है। अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुका है। हेलो गाइस, मैं हूँ रंजीत और आज के ब्लॉग में मैं रूबी नाला दिखाने जा रहा हूँ। हाफलोंग रूबी नाला ये असम के अंदर में है। आप देख सकते हैं नज़ारा, मैं पानी का बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा पानी है, फ्रेश वाटर है यहाँ पे। और आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए ये ऊपर से पानी आ रहा है। ये पहाड़ के बीचों बीच ये नाला है, ये छोटा सा रिवर है। हम लोग अभी यहाँ पे आया है, ये वाटर ये ठंडा पानी का मज़ा लेने आया है। इस यहाँ पे हम लोग बोटिंग करेगा, नहाएगा इसमें हम लोग। और ये इस तरफ नज़ारा देखिए, हम लोग इस पर लंच भी करेगा, यहाँ पे लंच भी कुक कर रहा है। और ये बेम्बू सूट का साथ हम लोग क्या बना रहे हैं भाई, मांसो ना, मांसो भी बना रहा है। और ये इसमें ड्राई फिश का साथ चटनी भी बना हुआ है। और इसमें तीनों ये बेम्बू में वो मांसो भी बना रहा है। बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये पकने के बाद में, चक्की भी बताऊंगा कैसे टेस्ट हुआ और नहीं हुआ। और ये हम लोग का डोसे, हम लोग एक साथ आए हैं मिलके। यहाँ से पानी देख सकता है, बहुत टेस्ट पानी चल रहा है अभी बारिश की वजह से। वेदर भी अच्छा है, पानी भी साफ सुथरा है, फ्रेश फ्रेश पानी है। हम लोग देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ पे बहुत रॉक्स भी है, पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ पे सारा बहुत आदमी लोग आता है व्यू देखने के लिए, मज़ा लेने के लिए। यहाँ पे आके बोलो, बहुत मज़ा लग रहा है। और आप कैसे लग रहा है? हम भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेश फ्रेश हवा चल रहा है, काफ़ी वेदर अच्छा है। और ये पानी के सामने में बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुसर को किस तरह उसका चमड़ा चिलता है आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह चिलता है। ये पहले नीचे में इसका हाथ टू पकड़ना है, उसका ऊपर ऊपर का ये धीरे धीरे फेंकना है, इस तरह कुछ इस तरह बना निकलता है उसका चमड़ा। क्योंकि ये जो हाथ है ना, ये साथ में नहीं पकड़ने से वो पूरा निकल जाता है, इसलिए नीचे में पकड़ना पड़ता है। सिर्फ ऊपर का हिस्सा फेंक रहा है हम लोग, और नीचे नीचे का हाथ में पकड़ के उसको बचा रहा है। अभी हो गया ये, और इस तरह काटते हैं, पहले इस तरह छिलते हैं इसका चमड़ा। ये देखिए, ये नहीं करना कि इसको पूरा निकल दो, क्योंकि ये नीचे ये थोड़ा
कुका खाया बोला, ये ख़राब हो गया। अभी इसको देखते हैं, ऐसा निकलना है धीरे धीरे करके। ये ऊपर का हिस्सा पकड़ना है, निकलना है ऊपर का, ऊपर का। ये नीचे का जो है वो पूरा नहीं छूटा नहीं इसको। आप अच्छी तरह दिखाइए तो कैसे करना है इसका। ये वाला पर्सन नहीं फेंकने का है ना, ये वाला नहीं निकलना है। ये मिडिल से बीच बीच से मतलब थोड़ा थोड़ा निकलना है। हाँ, इस तरह कुछ इस तरह करते हैं बोला। हम लोग मांसो काट रहा है, किस बना रहे हैं। अभी हम लोग बम्बू में पकाएंगे। ये बम्बू काटा हुआ है, काटा हुआ बम्बू। ये सब हम लोग मांसो पीस करके रखा है, वाई धुला के धो के रखा। अभी इसको डाल रहे हैं बम्बू में। ओहो, हवा आ रहा है। और यहाँ पे है ड्राई फिश भी रखा हुआ है। हम लोग ड्राई फिश का साथ भी वो बम्बू शूट को बना के बढ़िया करके जाल करके बना के खाऊंगा। और भाई साहब को देखिए, ये बम्बू शूट धो रहा है। बम्बू शूट का साथ बनाएंगे, ये ड्राई फिश का साथ अलग से, और एक डिश अलग से बनाएंगे। ये मांसो तो अलग से बना रहा है। टैन टैन उड़ी क्लैन ओए लोगर बोली बोली घंटे हो गए ना। और ये जो पेड़ देख रहा है, काफ़ी साल पुराना पेड़ है, लगभग 200 साल होने वाला है ये पेड़। देख सकते हैं अभी पक रहा है। ये देखिए किस तरह पक रहा है अभी। वाओ, आग भी बहुत तेज जल रहा है अभी। अभी इसमें है मांसो, और इसमें मांसो है, इसमें जो है बेम्बू ड्राई फिश का साथ जो बनाया हुआ बेम्बू सूट, और इसमें भी दो में भी मांसो है। इसमें है पोर्क, इसमें भी पोर्क है। ये देखिए किस तरह ये पक रहा है। वाओ, ये देखिए किस तरह पक रहे हैं। ये बेम्बू से पानी निकला हुआ है, अभी ठीक से पक रहा है। इसको थोड़ा ड्राई करने दीजिएगा हम लोग। हाँ, अभी इसको गुरा कर रहा है। ये बहुत जाल करके बनाया है ड्राई फिश से, बहुत चखने के बाद पता चलेगा कितना टेस्ट होगा ये। वाओ, जाल रख रहे, बहुत टेस्टी लग रहा है। वाओ, ओहो, ओ ये लकड़ी फट गया है, वो लकड़ी जला रहे, वो लकड़ी फटा है। वाओ, पकने वाला है, अभी स्मेल निकल रहा है। वाओ, स्मेल बहुत अच्छा है। हम लोग राइस बियर भी पी रहे हैं, ये बम्बू ग्लास में। ये मांसो भाई, राइस बियर कैसे अच्छे से। ये देखिए राइस बियर हम लोग पिएगा अभी, घर पे बना हुआ राइस भी यार, इसको जुडीमा बोलता है। हम लोग जुडीमा का साथ खाएगा अभी। ये रहा मांसो। और ये किसने बनाया है? ये हम लोग ने मिलकर बनाया है एक साथ। अब इसको निकल रहा है, एक एक करके हम लोग खाए जा रहा है। उसका टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है, लाजवाब। ये बम्बू का अलग फ्लेवर निकल रहा है, बम्बू का तो अलग ही फ्लेवर निकल रहा है। और ये मांसो या पोर्क का भी अलग फ्लेवर निकल रहा है, साथ में बेम्बू सूट भी है। और ये चिल्ली देख रहे हैं, रेड चिल्ली,
ये गांव का चिल्ली, ये बस्ती का चिल्ली है, ये झूम का और जैसे यहाँ पे पूरा मास ही मास। लेकिन आप लोग को देखने में ये कलर नहीं दिखाई, क्योंकि हम लोग ये कलर नहीं मिला है, ये सिर्फ हम लोग पूरा लोकल पूरा नेचुरल बनाया है, इसलिए आप देख सकते हैं। और मैं टेस्ट करके चाट के कैसा टेस्ट हुआ देखता हूँ। अच्छा हुआ है, बहुत टेस्ट अच्छा हुआ है, लाजवाब ना। आप तो खाई जा रहे हैं। नहीं नहीं, एक बार में सब मत खाइए, धीरे धीरे खाइए। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं राइस से यहाँ पे। अरे जो इसको बजा लो ना, नहीं माइ फिन लो छाला फजा बोला वहाँ बजा तर खाइबो ये भी माइ फिन माइ फाफा गए ना जब डे ऐसे लंगा उदा ऐसे लंगा उदा। तो पानी में तैर रहा है, बाप ये पत्थर पे खड़ा हुआ है भाई लोग, दोस्त लोग ये भी पानी में जा रहा है नहाने के लिए, तैरने के लिए। तो पत्थर है वहाँ पे, ये पानी बहुत तेज है पानी। ओ और नीचे में तो बहुत गहरा है, ये देखिए दोस्त नहा रहा है अभी, स्विम कर रहा है। ओए भाई हेलो, जाम मार दो, काफ़ी गहरा है इसमें। तो कितना फीट होगा ये 10-12 फीट से तो ऊपर होगा, 20 फीट ऐसा होगा सर, 20 फीट ऐसा है। ये देखिए पानी बहुत तेज है, वो लोग तो स्विम कर रहे हैं, मैं तो स्विमिंग भी नहीं जानता है, इसलिए मैं तो नहीं नहाऊंगा। नहाऊंगा मगर छोटा पानी में जाऊंगा, ये बड़ा पानी है। ये देखिए दोस्त लोग किस तरह बिंदास स्विमिंग कर रहा है। ये पानी देखिए बहुत तेज़ी है, पानी बहुत तेज चल रहा है। हम तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं स्विमिंग अच्छी तरह नहीं जानता, इसलिए मैं वहाँ पे नहाऊंगा, वहाँ पे इतना पानी नहीं है, गहरा नहीं है ना दोस्त। और एक दोस्त है मेरा, वो भी तो स्विमिंग अच्छी तरह नहीं जानता है। वो देखिए दोस्त किस तरह स्विम कर रहा है, वापस जा रहा है। सब खाना पीना भी हो गया है, अभी जाने के लिए तैयारी कर रहा है, अभी हम लोग वापस जा रहा है। हो गया भाई लोग, अभी हम लोग वापस आ गया है जहाँ पे बाइक रखा हुआ पे। ओहो बाप रे बाप, फाइनली हम लोग वापस आ गया है, अभी जा रहे हैं इसी रास्ते से फिर जाऊंगा। आज मैं यही पर वीडियो एंड करना चाहता हूँ, आज का वीडियो हो गया है, इसलिए आप लोग अच्छा लगा और कुछ इन्जॉय किया वीडियो देखकर। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग और कुछ अच्छा दिखाऊंगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, हम लोग एक साथ आइए दोस्तों के यहाँ पे। हेलो दोस्त, बाय बाय, बाय बाय, बोलो बाय सभी।